लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर सेकंड कर लिया था इंग्लिश रीडर का. इसमें एक होमवर्क भी दिया था मैंने 1 से लेके 5 तक, जिसमें कि दो अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी मीनिंग भी डिफरेंस है और स्पेलिंग भी में भी डिफरेंस है, पर दोनों के जो साउंड है या फिर कहें तो दोनों का जो प्रोनंसिएशन है वो सेम आता है. जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट मीनिंग डिफरेंस है पर प्रोनंसिएशन सेम. वैसे ही आता है सेकंड में, देखिए बेर बेर, इन दोनों का प्रोनंसिएशन सेम पर स्पेलिंग डिफरेंस, मीनिंग भी डिफरेंस. तो इन दोनों पे मैं एक जरा सेंटेंस बताता हूँ आपको. बेर का मतलब होता है नेकेड, नंगा, या फिर जो है अनकवर्ड. तो बोल सकते हैं हम I accidentally touched the electric wire with my bare hands. कि मैंने अपने नंगे हाथों से गलती से इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया. तो ये एक सेंटेंस बन गया. और सेकंड है आपका bear. Bear का मतलब है tolerate करना, कि बर्दाश्त करना. I don't think that he will be able to bear this kind of pain. कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के दर्द को वो बर्दाश्त कर सकता है. ये एक सेंटेंस बन गया. थर्ड में देखिए चेक चेक का मतलब क्या है. चेक का मतलब है टू लुक एट समथिंग केयरफुली. कि चीज को चेक करना. चेक नहीं करते कि चेक करो क्या है उसके अंदर. जैसे कॉपी चेक करते हैं तो क्या होता है, चेक कर रहे होते हैं कि कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ है. टू मेक श्योर दैट इट इज राइट. और दूसरा है चेक. चेक का मतलब क्या है, यूज टू ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक. बैंक का चेक नहीं होता जिसमें हम लिख देते हैं कोई सा अमाउंट और कोई भी आकर बैंक में दे दे तो उससे उसका अमाउंट जो है उसके अकाउंट से निकल जाता है. तो दोनों चेक का मीनिंग अलग अलग है. तो इन दोनों पे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं. फर्स्ट चेक पे हम बना सकते हैं द टीचर ऑलवेज चेक द होमवर्क. ठीक है, टीचर हमेशा चेक करता है होमवर्क. और सेकंड बी में जो है बी के चेक के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं हम. Somebody gave a big check to the charity fund. किसी ने बड़ा चेक दिया चैरिटी फंड के लिए. आगे देखिए फोर्थ में हील. हील का मतलब होता है टू क्योर, सही करना किसी चीज को, हील ठीक करना. एक होता है हील. हील का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द फुट, पैर के जो है ना निचले हिस्से को हील बोलते हैं ना, एड़ियों को हील. ब्रोकन बोन्स नीड टाइम टू हील. इसका मतलब है कि टूटी हुई हड्डियों को वक्त चाहिए ठीक होने के लिए. ब्रोकन बोन्स नीड टाइम टू हील. नेक्स्ट हील के लिए क्या बना सकते हैं, समहाउ द हील गॉट Stuck in the shoe. कि पता नहीं कैसे पर हील जो है एड़िया फंस गई जूते में. तो ये एक सेंटेंस बन गया. अब फिर देखिए लास्ट है आपका ए में है आपका प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब पता है आपका, द हेड ऑफ द स्कूल. और दूसरा होता है प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, अ बेसिक रूल. ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल का मीनिंग अलग अलग है पर प्रोनंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है. ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल के ऊपर बना लेते हैं हम एक सेंटेंस. द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट व्हेन द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास. के बच्चों ने शांति बना ली जब प्रिंसिपल क्लास में आए. नेक्स्ट प्रिंसिपल के लिए बना सकते हैं, हिज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी. उसका मूल सिद्धांत अपने जीवन को जीने का है सच्चाई. ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया. ठीक है, मैंने होमवर्क ही दिया था फिर भी मैंने करा दिया इतना और हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. तो अभी तक जिसने नहीं भेजा मुझे क्लिक करके फोटोज, वो क्लिक कर दें फोटोज और सेंड कर दें मेरे नंबर पे.